अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होगा। वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद अ न्यू वीडियो। ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ टर्की, आप लोगों को पता पाकिस्तान आया हुआ था और मैंने सोचा होता कि मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें गाइड करूँगा आप लोगों को। तो पता नहीं क्यों मैंने अपनी स्टोरी भी लगाई हुई थी इंस्टा के ऊपर कि वक्त के साथ साथ जितना मैं ट्रैवल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जा रहा है उतना ज़्यादा मैं मिसमैनेज्ड होता जा रहा हूँ। शायद ऐसा लगता है ना कि वैल्यू नहीं रही उस फ्लाइट की। जैसे लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम जब पहली फ्लाइट थी तो बोलता 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर गया बैठा और खुद तैयार होकर बैठा हो कि यार आज मेरी फ्लाइट है। वो ये फीलिंग है ना, वो शायद ख़त्म हो चुकी है। ये ऐसा लगता है जैसे मैंने रिक्शा लेना है और साथ में चले जाना है, तो उसमें ना वो तैयारी वाला सीन बड़ा फैक्टर ख़त्म हो चुका है। मैं घर कर रहे थे शिफ्टिंग हम लोग सामान की, तो मैं इस वजह से अपनी सही वो तैयारी नहीं कर पाया। मैं कसम से मुझे याद भी नहीं था मैं ये चप्पल पहन के निकल गया हूँ टर्की के लिए, मतलब निकला हुआ हूँ। मैं बस में बैठा हुआ हूँ जो कराची की बस में आया हूँ, मैंने कहा ओ मैं चप्पल पहन के आऊँ अभी तक, तो मैं बैग अपना ओपन करके देख रहा हूँ कि कोई मेरे बूट्स वगैरह जॉगर्स वगैरह है उसको जो मैं पहन सकूँ। तो लेट्स सी, अभी हम कराची भी पहुँच चुका हूँ मैं और मेरी 4 बजे की फ्लाइट है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:25। अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी मैंने जरा नाश्ता वगैरह करना है फिर किसी दोस्त वगैरह के पास जाते हैं। ये देखो 90% सामान इसमें मेरा है भी नहीं, ये मैंने पहले भी कहा था। अचार के डब्बे, मसाले, चाय, नॉइस। ओके फ्राइज यार, फाइनली मैं कराची आ गया था। आपको पता है मैं बैग वगैरह वहाँ पे खोल के बैठा हुआ था, सारा चेंज कर रहा था। अभी फिर मैं आया हूँ, शावेज़ को आप जानते होगे, बल्कि कहाँ जानते होगे, अभी व्लॉग में नहीं है वो। खैर शावेज़ एक दोस्त है मेरे साथ टर्की में, बड़े अब्दुल्लागुल में, उनका ये फ्लैट है, उनके साथ ये उनके दोस्त हैं। ब्रदर इधर देखना जिन्होंने मुझे रिसीव किया है, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? A1। ये भी इनको मैंने अभी नींद से उठा के डिस्टर्ब किया है, मैं खुद भी था। अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं, जज नहीं करना, रोज़े हम सारे रखते थे। मैं सफ़र पे जा रहा हूँ इस वजह से मैंने नहीं रखा पहली दफ़ा। आपने भी सवाल की जो आज का चूड़ा एक तक रख रहा था। सही हो गया। सो अब हम नाश्ता करने जा रहे हैं और चल के देखते हैं कि नाश्ते में काम मिलता है कराची में नाश्ता करने। अच्छा पता है मैं फैसल मोड़ के उस पर गया ना, उस पर मुँह धोने के लिए, तो गलती से मैंने सोचा कि मैं कुली कर लेता हूँ। अच्छा, तो इतना कोई सॉल्टी पानी था, फिर मैंने कहा ओ नहीं, ये लास्ट टाइम फील नहीं हुआ ये। हाँ। पता नहीं क्यों इस दफ़ा ज़्यादा ही हुआ है, इस दफ़ा ये है मेजॉरिटी एरियाज पे वो है खारा पानी इसका अपडेट करना। हाँ लेकिन ये इस बिल्डिंग का ये है कि यहाँ पे वो है मीठा है। बिल्डिंग का मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे सही था, बाल खराब हुए होंगे यहाँ का सही था। बाल तो खैर बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, मैंने कटिंग करवानी थी, मैंने बहुत कुछ करना था, सब कुछ सोचा हुआ था, कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं शिफ्टिंग कर रहा था घर की। यार मैं स्लीपर्स में जा रहा हूँ भाई और वहाँ स्नोफॉल हो रही है। कहाँ? स्नोफॉल हो रही है। हाँ जी खैर। अच्छा यहाँ जलेबी भी खाते हैं लोग, हमारी साइड पे जलेबी भी नहीं है, हम लोग अफ्तारी में जलेबी नहीं खाते बिल्कुल भी। और ये ग्रीन शरबत भी पहली दफ़ा देख रहा हूँ, कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ पहली दफ़ा कोई। हम पहले इतना सारी ट्राई कर रहे हैं, पिया जाता नहीं। प्राइस अब दुनिया में कहता हूँ, पाकिस्तान में कहीं भी चले जाओ ना, क्वेटा होटल आपको वहाँ भी मिलेगा, आपको इस्लामाबाद में मिलेगा, आपको कराची में मिलेगा, आपको हर जगह मिलेगा। और हम भी क्वेटा पे ही जाएंगे, क्वेटा अफोर्डेबल है, क्वेटा अच्छा भी है जायके में। माना इनकी सर्विसेज थोड़ी सी ज़रा रोड पे होती हैं बट लेकिन ये हर लिहाज से बाकी अच्छा है, शोर कर ले बंदा। ये क्या वजह लाला, क्वेटा का रेस्टोरेंट हर जगह, तो नाम तो चेंज करो ना, हर जगह क्वेटा क्यों है? क्वेटा वाला इसलिए नाम क्वेटा वाला रखा हुआ है ना। ओके जी, तो हम आ चुके हैं कराची में नसीब बिरयानी पे, जो कि नसीब वालों को मिलती है, जो कि आपके भाई को मिली है, तो वो ट्राई करने के लिए आए हैं, कैसे टेस्ट होता है इनका। और रेड फ्राइज तो यार फाइनली खाना शाना खाने के बाद मैं वापस आ गया फ्रेश वगैरह होके। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, इन ड्राइव वाला ड्राइवर आया हुआ है, वो अब एयरपोर्ट लेके जाएगा। टाइम होने वाला 4 बजे की फ्लाइट है, 12:30 में यहीं पे खैर जाते जाते। ये ब्रदर्स हैं सारे, थैंक यू सो मच। चल रहे हैं फिर हम लोग अब एयरपोर्ट में, उसके बाद टर्की, फिर टर्की से आगे नेक्स्ट व्लॉग जाएंगे। लेट्स गो शकीब भाई, कम ऑन। शाम भी नहीं, ओ
ओके जी, तो आप लोगों को मैंने जैसे कहा कि जैसे भी आप लोगों ने एयरपोर्ट से उतरना है और आपने अगर मेन स्क्वायर की तरफ जाना है, मेन स्क्वायर की तरफ जाना है और मेन स्क्वायर के जाने के लिए सबसे बेस्ट वे टेकी में इधर एयरपोर्ट से हवाश बस है कि आप लोगों से कैश लेंगे। डील ये लोग सिर्फ कैश में करते हैं, ये नहीं कि कार्ड से पेमेंट हो जाए कुछ भी। एटीएम कार्ड्स हैं पड़े, एटीएम मशीन्स हैं पड़ी वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर, वहाँ से आप कैश निकलवा लो। और क्योंकि मोस्टली यार आप लोग जब विजिट करने आ रहे हो तो मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मेन सिटी के साथ साथ ही कहीं पे रहते हो और ये आपको मेन सिटी के अंदर ही ले जाएगी, बिल्कुल तकसीम के अंदर ले जाएगी। वहाँ से आप बाय वॉकिंग डिस्टेंस होते हैं आप लोगों के तमाम होटल्स वगैरह के, इस चीज़ को याद रखना है। फिर आप लोग टैक्सी वगैरह ले लेते हैं दोस्त वगैरह, फिर वो कहते हैं यार इतना ज़्यादा लाइक टैक्स वगैरह ले लिया उन्होंने, इतने पैसे ले लिया। तो दिस इज़ दी बेस्ट सर्विस टू गो देयर, अवाश अवाश बस, हवा बस। तो सीन ये था कि मैंने अभी उसे कहा कि यार कैश कितना लेते हो तुमने, क्योंकि ये लोग सिर्फ कैश में डील करते हैं और कैश नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट टाइम जब मैं गया था तब इनको मैंने 27 टर्किश लीरा दिए थे और मेरे पास इस टाइम 35 थे, तो मैंने कहा कि जितनी भी महंगाई होगी वो 35 से तो ऊपर नहीं गए होंगे। बट यू कैन इमेजिन अभी मैंने जाके उससे पूछा तो उसने कहा कि 52 रुपीज़ हम लोग लेंगे दिस टाइम, लाइक 52 टर्किश लीरा। तो मेरे पास तो 35 था, तो मैंने उसे कहा कि यहाँ पे ATM करीब कहाँ से मैं कैश निकलवाता हूँ, तो मैं अभी भी कैश निकलवा के वापस वहीं पे जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को याद रखना है कि दे ओनली डीलिंग कैश, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। सो लेट्स गो, वापस चलते हैं हम। सर हम तकसीम में आ चुके हैं, आप देखो यहाँ पे ये बस रुकी है जिसके अंदर से मेरा सामान वगैरह निकला है और यहाँ से बिल्कुल हम लोग स्ट्रेट चलेंगे और तो वहाँ पे सारा तकसीम होगा। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। 10:34 और अभी मैं सीधा जाऊँगा, बिल्कुल अभी अभी ये बिल्कुल यहीं से टर्न किया मैंने राइट, अब सीधा जाते हैं आगे तकसीम स्क्वायर में। मैं देखता हूँ कि टाइम कितना लगता है, आप लोगों को पता चले। 10:34 हो रहे थे अभी, सो लेट्स गो। तो ये तकसीम मेन स्क्वायर है और तकसीम मेन स्क्वायर पे हम आ चुके हैं कितने मिनट की वॉक के बाद अभी देखते हैं। 34 हो रहे थे तब, 38 हो रहे हैं, आपको नज़र आया पता नहीं। जस्ट 4 मिनट की वॉक की हमने, 4 मिनट की वॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे मेन स्क्वायर में आ चुके हैं। अब आपने इस्तांबुल में कहीं पे भी जाना है, कहीं पे भी जाना है ना, तो यहाँ से उसके लिए बस या ट्रेन वगैरह ज़रूर जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली यार आप लोग अगर घूमने के हवाले से आ रहे हो ना, तो आप लोगों ने जो होटल वगैरह बुक किया होगा या कोई भी एयरबीएनबी पे अपार्टमेंट वगैरह, वो इस प्लेस के आसपास ही होगा, क्योंकि मेन जो घूमने की जगह वो तो यही है। तकसीम हो गया, यहाँ से आगे इस्तिक्लाल स्ट्रीट हो गई, सो दीज आर द प्लेसेस व्हिच यू मोस्टली बी विजिटिंग हियर। तो ये सबसे बेस्ट वे है यहाँ तक पहुँचने का, सबसे चीपेस्ट, सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सेफेस्ट आप कह लो। तो खैर अब यहाँ से मैंने आगे ट्रेन लेनी है, मैं ट्राम का स्टॉप देखता हूँ कहाँ पे। पहले मुझे अपना इस्तांबुल कार्ड देखना है क्या वो चल भी रहा है या नहीं, क्योंकि वो मैंने शायद 2 साल पहले बनवाया था और आई गेस वो अब तक एक्सपायर हो गया होगा, तो मुझे टिकट लेनी पड़ेगी। टिकट लेते हैं या कार्ड बनवाते हैं वो देखते हैं, चल के आ जाओ। ये मशीन है तो इसके अंदर हम पैसे डलवाएंगे अभी, ये 20 रुपये इतना पैसा आ गया इसमें, अब ये चलाते हैं हम लोग और चलते हैं। तीन ये हो कि कार्ड तो मेरा चल रहा है, उसमें मैंने पैसे डलवा दिए 30 लीरा। अभी मैं यहाँ से एंटर हुआ टैप करके, तो उसको मैंने बताया कि मैंने उस साइड पे जाना है, एंड देन द गाय सेड के जहाँ पे आपने जाना है उसके लिए ट्रेन इस साइड से नहीं जाती, इस साइड से जाती है। तो खैर वो पैसे मेरे ज़ाया हुआ क्योंकि एंट्री के वक्त टैप करना होता है, मैं इस साइड से जाके दोबारा नीचे जाके वहाँ पे टैप करता हूँ और जाता हूँ। और कार्ड वर्किंग कर रहा है यार, थैंक गॉड, पता नहीं कौन से साल में मैंने बनवाया था, अभी तक चल रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। दोस्त ने बताया M2 लेनी है, मैं यहाँ पे देख रहा था M2 इज दिस ग्रीन वन एंड ये M2 का रूट है सारा। M2 में उसने बताया शिशली मजिदे कोए पे है वो, अभी मैं कहाँ पे हूँ, तकसीम में, मैं तकसीम में हूँ, तकसीम से ये कहाँ पे है शिशली मजिदे कोए, ये है यहाँ पे मैंने जाना है, 2 स्टॉप है, 1-2। तो यार ये पूरा मैप हर जगह अवेलेबल होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन से स्टॉप पे जाना है, कौन से रूट से जाना है, कौन सी बस या ट्रेन वहाँ पे जाती है। तो खैर मुझे पता चल गया M2 जानी यहाँ पे, सो लेट्स गो। फाइनली मैं नुमान भाई के घर आ चुका हूँ, बट नुमान भाई यहाँ पे नहीं है, वो जॉब करते हैं, वो जॉब पे गए हैं, तो मैं यहाँ पे ज़रा रेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे इजीली रेस्ट वगैरह करके, शाम को वो आएंगे, फिर ज़रा कुछ घूमे फिरेंगे, मैंने अपना सामान उठाना है वो उठाता हूँ और उसके बाद फिर हम जाएंगे कैसरी। कैसरी का अभी तक मैंने प्लान नहीं किया कि मैं आज रात रवाना हूँ या कल, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो भाई बहुत थकावट हो चुकी है, रेस्ट करते हैं ज़रा फिर देखते हैं। ओके फ्राइज यार, फाइनली आप लोगों को पता, मैं आके मैं सो गया था क्योंकि नुमान भाई, पहले तो आप नुमान भाई से मिले। नुमान भाई क्या हाल चाल है आपके? लगा आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह एवन बिल्कुल ठीक फिट। नुमान भाई क्योंकि जॉब पे होते थे तो मैं आके इनके बेड पे इनके रूम में जाके सो गया था, और फिर हम अफतारी के वक्त उठे, हमने घर में अफतारी वगैरह की, हमारे साथ कुछ जर्मन वाले दोस्त थे एंड देवर नॉट सो कम्फर्टेबल विद द वीडियो, हमने वीडियो वगैरह नहीं बनाई, हमने कहा कि हम बाहर चल के इजिली घूमते फिरते हैं तब वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अफजी लार पे, वहाँ पे जरा जॉगिंग वगैरह करनी है। नुमान भाई फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं। नुमान भाई आपके क्या हाल चाल है? शुक्र है लगा आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह एवन ठीक फिर। पहला टाइम है कि मैं आपकी वीडियो में आ रहा हूँ, पहली दफा मेरी वीडियो में आ रहा है। लास्ट टाइम भी मैं इन्हीं के पास गया था, बट लास्ट टाइम मेरा लैपटॉप खराब था ना, तो मैं वो व्लॉग नहीं कर पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चले इंशाल्लाह चले, वीडियो शूट आपकी देखता रहता हूँ और अच्छा चैनल है आपका। बस सही हो गया इंशाल्लाह, देखते हैं
इस वीडियो को भी बनाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा फ्राइज तरसे हुए थे कि वीडियो नहीं आ रही। मुझे डम मैश में डायरेक्ट गालियां दे रहे हैं कुछ लोग तो कि क्या सीन है तेरा, पहले क्यों बनाई थी अगर अब नहीं बनानी तो। ये तो खैर अब आज वीडियो बन रही है और उम्मीद है मैं कोशिश करूंगा कल ही कल इसको एडिट करके अपलोड कर दूं। सो लेट्स गो। हवा डलवाने के लिए आए हैं, हवा किस तरह से डालते हैं टायरों में आओ देखो। और डालनी भी खुद ही पड़ती है यहाँ पे। अब ये तो चले हेल्पर हमने बुलाया, ये हमने पाकिस्तान वाला सिस्टम कर लिया है। इसको बुला के ओके जी, तो हम लोग रनिंग करने जॉगिंग करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे जॉगिंग वगैरह वाला सीन ये ट्रैक बना हुआ जो आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का। खैर इस पर भी जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी हमने कार पार्किंग पर लगा दी एक साइड पर और यहाँ पे ये सी है, सी वी कौन सा मरमरा सी, ये लेफ्ट साइड पे मरमरा सी है। आपको ऐसा तो लग रहा होगा ना ऊपर आसमान और वो एक ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन सी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो देखो वो शिप की लाइट नज़र आ रही होंगी। इस्तांबुल की ट्रैफिक के बारे में क्या कहेंगे नुमान भाई? यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो जहरी बात है ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा होगी। और मेरे ख्याल से हर बंदा यहाँ पे जो है वो एटलीस्ट अपनी हर डे के 2 घंटे जो है ट्रैफिक को देता है। ओके जी, तो हम लोगों ने खाना वगैरह तो उसी वक्त अफ्तारी में ही खा लिया था। हम अभी मीठे में कुनेफे खाने के लिए आए हैं। ये सामने देखो आलतीन दमक कुनेफे, İçinde böyle kaymak var, fıstık var. Üzerine gelin böyle şey, şöyle var. Acaba künefe de bir de kaynı ya. Künefe de pehle ye, khatte teet malte. Khatte teet malte. Kacche sev. Ve sadece gajar ki line rakhi gaye. Sadece ye dood hai. Ne normal mein hum kya se aapko aapko dood hi acha laga isme se. Mujhe kuch nahi pata iske bare mein. कुछ तो पता होगा यार, ये कतमर है, कतमर है और अंदर मेरे ख्याल से इसके पिस्ता है, पिस्ता और देसी घी है, देसी घी। और इसका सबको पता होगा, अब तो पाकिस्तान में भी आ गया, पाकिस्तान में आ गया कुनेफे, पाकिस्तान में भी हर शहर में मिल जाता है। हाँ और कुनेफे मशहूर, कुनेफे तो मशहूर है काफ़ी। कतमर खैर ये पराठा है पिस्ते वाला, पिस्ता और देसी घी है मेरे ख्याल। इसमें इसने दुंदुरमा नहीं डाला, तो दुंदुरमा हमें डलवाना पड़ता है सेपरेट, मुझे लगता था डाल के देते हैं शायद, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट में नहीं है। हाँ वरना तकरीबन डाल के देते हैं। गर्म है, बंद हो गया, बहुत गर्म है, बंद ही नहीं चल रहा है। ओके फ्राइज, तो यार सीन ये है कि हमने खाना खाने गए हुए थे, अभी खाना तो बल्कि खा लिया था, मीठे में कुनेफे खाने गए हुए थे। खाना वगैरह खाया हमने, पीछे से सामान उठाया, पीछे आपको एक ट्रक नज़र आ रहा होगा, छोटी सी पेटी, पेटी है ना, छोटी सी पेटी नज़र, काफ़ी बड़े 50 kg तक है, तभी तो मैं बस में जा रहा हूँ क्योंकि प्लेन वाले कहेंगे कहाँ पे आ रहे हो, अभी तो बस वाले का रिएक्शन चल के देखते हैं। रोमान भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, कोई मसला नहीं है। आप हमेशा बहुत ज़्यादा तकल्लुफ करने पड़ जाते हैं, आते रहो यार यहाँ पे, बस इंशाल्लाह तो रौनक लगी रहती है, बस इंशाल्लाह चक्कर शक्कर लगते रहेंगे। तो अब हम बस कैसरी के लिए रवाना हो रहे हैं। ओके फ्राइज, यार फाइनली मैं कैसरी में आ चुका हूँ और अब मैं बहुत थक चुका हूँ। ये वही बस की हमारी जिसके नज़र ये है और देन दिस इज़ माय बैग, आई बी लिविंग फॉर माय डॉम नाउ, और वहाँ पे जाके फिर रेस्ट वगैरह करेंगे। सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अब पहले कराची वाला सफ़र, उसके बाद फिर ये वाला सफ़र, उससे पहले फिर ये फ्लाइट्स वगैरह और सामान साथ में, बैगेज इतना हैवी, मैंने पहली दफ़ा लाइफ में ये वाली जिप खोली है इसके साथ। खैर वट एवर जो भी हुआ, खैर से हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, आगे का सफ़र देखते हैं। अभी मेरे 18 से एग्ज़ाम है, मैंने तैयारी करनी है बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करूँगा यार कि मैं डेली ना सही वीकली व्लॉग्स अपलोड करूँ, आई विश के अपलोड कर पाऊँ मैं। सो लेट्स सी, ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसी के साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, कमेंट्स में बताओ यार कैसा लग रहा है, काफ़ी उसके बाद वीडियो आ रही है। बाय बाय।